चंडीगढ़ से चुनाव प्रचार कर रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य बघेल से हुई पुलिस की पूछताछ को लेकर शनिवार को बड़ा बयान दिया। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बघेल ने कहा कि मीडिया को भी बहुत सारी बातें बताते नहीं है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब हम उदयपुर सम्मेलन में जा रहे थे, इसी एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उस दिन मेरा बेटा ईडी कार्यालय में बैठा हुआ था। हम आज से निशाने पर नहीं है, अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है। हरियाणा चुनाव पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हरियाणा में जबरदस्त चुनावी माहौल है। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी की कुशासन को उखाड़ फेंकना है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश ने सीएम साय के समीक्षा बैठक पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले अपने विभागों की समीक्षा कर ले। मीडिया में अभी पता चला तब आप ये बात बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री था और जिस दिन हम उदयपुर सम्मेलन में जा रहे थे और जिस दिन इसी एयरपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उस दिन मेरा बेटा ईडी कार्यालय में बैठा था। ये आज से निशाने थोड़ी है। अब वो डबल इंजन की सरकार बन गई तो वो वाले नई नोटिस भेज के मेरे बच्चों की शादी हुई, ईडी सारे बैंकों खंगाल लिए, पूरे खाते खंगाल लिए, सब कुछ किया। अब नहीं बताते, नहीं पता चलता तो आप लोगों को पता नहीं चलता, नहीं तो निशाने में तो आज 6 साल से हम लोग हैं। उसके पहले रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी निशाने में थे और भी निशाने में, क्योंकि जितना जनता से जुड़े मुद्दा हम उठाएंगे तो उतना मुझ पर और मेरे परिवार पर हमला होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिलो बेल्ट ही आक्रमण करती है, उसके काम करने का तरीका यही है, तो उसके लिए तैयार हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, मेरी माँ को, बच्चों को, सबको नोटिस उन्होंने भेजा था, अभी करेंगे। लेकिन ये है कि जब जनता से जनता की सेवा करने के लिए उतरे हैं राजनीति के माध्यम से, तो ऐसी छोटी मोटी बाधाओं से डरने वाले नहीं। हरियाणा में ज़बरदस्त चुनावी गहमागहमी है और प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सुशासन है उसको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि लंबे समय से पूरा देश जानता है कि वहाँ किसान आंदोलन करते हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं के साथ जो छल किया है, और तीसरा पहलवान के आंदोलन को भी लोगों ने देखा है, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार है, सरकार की नाकामी है, अफसरशाही है, इससे लोग बेहद परेशान है और परिवर्तन का मन बना लिया है। मैं समझता हूँ 5 तारीख को जो मतदान होगा वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ पड़ेगा। 10 साल से तो उनके हरियाणा में भी सरकार है और 10 साल से केंद्र में उसकी सरकार है, और सबसे बड़ा आंदोलन कहीं हुआ है तो हरियाणा में हुआ है और अभी भी चल ही रहा है। शंभू बॉर्डर में अभी भी लोग किसान वहाँ डटे हुए हैं, तो धोखा किसने किया? धोखा तो मोदी जी ने किया। देश की जनता के साथ आय दुगुनी करने के बाद, किसान के 2 करोड़ रोजगार देने के बाद, 15 लाख सबके खाते में देने के बाद, वो सब अब मोदी जी अब भाषणों में मोदी की गारंटी नहीं बोल रहा है। छत्तीसगढ़ में बोलते थे ना, ये मोदी की गारंटी है। अब समझ आ गया कि हम मोदी की गारंटी पूरी फेल है। उसके सांसद ही चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, मोदी जी ने गारंटी दिया था, उसका क्या हुआ, 10 महीने हो गए। तो अब मोदी जी जम्मू कश्मीर में या हरियाणा में अब मोदी की गारंटी बोलना भूल गए। अब वो सरकार कौन चला रहा है, विभाग कौन चला रहा है, इसको खुद को पता नहीं। मुख्यमंत्री के विभाग, माइनिंग विभाग किस प्रकार से रेत के भाव बढ़े और रेत में क्या चल रहा है वो सबको मालूम है। बिना होलोग्राम के शराब बिक रहा है, ये मुख्यमंत्री के विभाग। मुख्यमंत्री के पास जो जो डिपार्टमेंट है उसको देख लीजिए, उसे खुद को अपने विभाग के समीक्षा पहले कर ले। बिजली कटौती कितनी चल रही है, बिजली कितनी महंगी मिल रही है, ये तो मुख्यमंत्री के विभाग का हाल है। तो बचत और शिक्षा विभाग में बच्चियां आंदोलन कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग भी उन्हीं के पास है। तो अपने विभाग की पहली समीक्षा कर ले, उसमें कसावट ले आए तो समझ आए कि हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में, कहा विभागीय मंत्री के रूप में तो उसका परफॉर्मेंस ठीक है, ये पहले तय कर रहे हैं। उसका स्वागत करते हैं, और केवल उन्हीं पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उनके भी होना चाहिए।
हाँ यहाँ तो बंधुआ मजदूर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ काली कभी भी सारे, यहाँ तो बंधुआ मजदूर है, वो सब नागपुर वाले यहाँ करते हैं, यहाँ तो केवल यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में आरएसएस तो बंधुआ मजदूर है, यहाँ के जो छत्तीसगढ़िया जो आरएसएस में